हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर मेनली आप सभी को नॉलेज मिलेगी इन टैक्सेशन फील्ड, इन GST एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स एंड न्यू अपडेट्स आल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है ज्वेता और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोज़ का पता लगता रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए जाके मेरे चैनल को। तो आज का हमारा वीडियो है अबाउट हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स के टॉपिक में से हाउस प्रॉपर्टी इनकम यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को डिस्कस किया है, जो कि पार्ट बाय पार्ट है। अगर आपको ये समझना है आप जाके इनकम फ्रॉम सैलरी को डिस्कस कर सकते देख सकते हैं जाके, मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि वो इनकम जो कि हमारी हाउस प्रॉपर्टी से होगी, ये टॉपिक है हमारे इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के जैसे कि हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम को पढ़ा था, तो हम अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, उनके कैसे इनकम निकलती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना हमारा टैक्स लगता है कितना नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो इनकम जो हमारी हाउस के प्रॉपर्टी से मिली यानी कि रेसिडेंटल प्रॉपर्टी है। तो चलिए देखते हैं, इनकम इज़ कमिंग फ्रॉम द रेंटल ओनली एंड प्रॉपर्टी इज़ यूज एज रेसिडेंटल पर्पस इन प्रीवियस ईयर, उसको हम क्या कहेंगे, हाउस प्रॉपर्टी। उसी को हम लोग लेंगे हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस पे, इसको लेंगे जो रेंटल पे है, ठीक है, जिसको हम रेंटल पे हैं और प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा है। एज रेसिडेंटल स्टेटस, रहने के पर्पस से यूज़ करते हैं रेंटल अपने प्रीवियस ईयर में, जिस भी ईयर का हम देख रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो प्रीवियस ईयर पे वो होनी चाहिए, किसी दूसरे पर्पस पे नहीं होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी क्या है, कई बार बिजनेस एंड प्रॉपर्टी में चला जाता है, दूसरे उसमें चला जाता है। तो प्रॉपर्टी जो है हाउस प्रॉपर्टी, वो मेनली क्या हो, लैंड हो चाहे कुछ भी, गार्डन, लॉज, कुछ भी चीज़ हो, वो क्या है, हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। तो उसके बाद देखिए, रेसिडेंटल पर्पज़ पे लिए वो मेनली यूज़ होना चाहिए। तो जब हम लोग टैक्स का पता लगाएंगे तभी जब हमें अपने इनकम का पता होगा। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम जब भी हम निकालते हैं तो हमें हमेशा स्टार्ट करना है इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से, कि जो टैक्स अथॉरिटी है, जो हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी है, हमें उनको ध्यान में रखते हुए काम करना है, कि ये हम नहीं बल्कि इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले कर रहे हैं काम। हमें इस हिसाब से स्टार्ट करना है अपनी इनकम को देखना। तो हाउस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें ये चीज़ याद रखनी है। कि भाई हमें टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से स्टार्ट करना है। तो मेनली हम लोग फॉर्मूला देखेंगे अपना, कि इनकम टैक्स पे हम अपना हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला से ही ऑल क्लियर हो जाता है, बाकी इसमें छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे अपने फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे कि क्या फॉर्मूला है अपना इनकम निकालने के लिए, यानी कि नेट टोटल इनकम निकालने के लिए।
हाउस प्रॉपर्टी क्या है, जो इनकम है वो किसी हाउस, बिल्डिंग, बंगलो, गोडाउन कहीं से भी आ सकती है, कैन बी असिस्ट अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उनको क्या है, हम हाउस प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, चाहे वो ही कोई हाउस हो, कोई फ्लैट हो, कोई बंगला हो, कोई बिल्डिंग्स हो, बंगलो हो, गोडाउन हो, एक्ट्रेक्सा हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो क्या हो जाएगी, हमारी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगी। हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूलों को देखते हुए। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताती हूँ पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को एनुअल वैल्यू का पता लगाना है। सबसे फर्स्ट हमें क्या है, अपने एनुअल वैल्यू का पता लगाना है। उसमें से जो भी हमारा एनुअल वैल्यू आएगा, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे अपना अनरियलाइज्ड रेंट। जो भी अनरियलाइज्ड माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट को, उससे हमारा क्या आएगा, जीएवी यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि हमारा जीएवी। जो जीएवी आएगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे अपना म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, उससे हमारा आएगा एनएवी यानी कि नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू जो आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमारा अंडर सेक्शन 24। सारे सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर इसको हमें याद करना है क्योंकि ये हमारे डिडक्शन में आएगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन से हमारा निकल के आएगा, उसको हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। जिससे कि हमारा निकल के आएगा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इससे क्या आएगा, हमारा नेट इनकम निकल के आएगा हाउस प्रॉपर्टी का। तो हम लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। ये हमारा मेन फॉर्मूला है हाउस प्रॉपर्टी को निकालने का, जिसको हम लोगों को याद करके रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनुअल वैल्यू की। एनुअल वैल्यू को हमें निकालना होता है, एनुअल वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, ये दो चीज़ें हैं जिनको कि हमें निकालना होता है। अनरियलाइज्ड रेंट यानी कि क्या है, मान लीजिए घर किसी को रेंट पे दिया है, हमारा क्या होता है एनुअल वैल्यू, मीन्स इसमें जो मतलब पूरी जो एनुअल हमारी इनकम निकल के आएगी, हम उसको देखेंगे ईयरली। ईयरली यानी कि क्या है, हमारे 12 मंथ, पूरे 12 मंथ की इनकम को देखी जाएगी जो भी आएगा। सपोज़ कीजिए 12 मंथ में से 11th मंथ का रेंट ही हमें मिला है, तो जो 11th मंथ का जो रेंट मिला है हम सिर्फ उसको लेंगे, एक महीने का क्या है उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो अमाउंट क्या है हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अनरियलाइज रेंट पे आ जाएगा। अनरियलाइज रेंट से माइनस करेंगे, जब हम एनुअल वैल्यू में से अनरियलाइज रेंट को माइनस करेंगे, हमारा क्या आएगा जीएवी। गॉट इट, जीएवी हमारा आ गया। अब देखेंगे म्युनिसिपल टैक्स, उसमें से जो आएगा उसको हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या है, जो हमारा हाउस टैक्स होता है मेनली, वही होता है हमारा म्युनिसिपल टैक्स। ये सिर्फ और सिर्फ ओनर पे करेगा, बाय ऑनर पेड ओनली। कई बार क्या होते हैं जो रेंटेड हैं वो भी कर देते हैं, या फिर किसी ने बराबर बेचा है, मतलब कि पे किया है, सॉरी, अगर किसी ने बराबर पे किया है हाफ ऑफ करके, तो जितना ऑनर ने दिया है उतना ही करेंगे, बाय ऑनर पेड ओनली, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो हम माइनस करेंगे उससे क्या आ जाएगा, हमारा एनएवी आ जाएगा। जो हमारा अमाउंट आया है एनएवी से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी हमारा आएगा अंडर सेक्शन 24, हम उसको
माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन यू है कि मान लीजिए किसी घर को रिपेयरिंग करने के लिए पेंट करा, मेंटेनेंस करा, पाइप फूट गया ये, तो वो अलग अलग ऐसे करके नहीं देता है। इसमें क्या है मतलब इकट्ठे ही ईयरली स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले लो, इस तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड माइनस करेंगे, उससे हमारा आएगा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब हमने इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो भी है वो हमें पता लग जाएगा, मतलब कि आ जाएगा, उससे म्यूनसिपल टैक्स, नेट वैल्यू, ये सब हमें पता लग गया। हमें सिर्फ जानना है एनुअल वैल्यू को और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड को। तो चलिए जानते हैं इंटरेस्ट, एनुअल वैल्यू को जानते हैं सबसे पहले। एनुअल वैल्यू मीन्स क्या है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई 12 मंथ का मैंने मतलब क्या है पूरा जो हमारा एक साल का जितना भी वैल्यू मतलब जो अमाउंट आया है उस इनकम टैक्स को चेक करने के लिए सिलेक्ट करती है, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। तो हाउस प्रॉपर्टी में जो भी हमारा इनकम सोर्स है वो क्या है 12 महीने यानी कि 12th month यानी कि पूरे एक साल का गवर्नमेंट चेक करेगी कि इतना क्या टैक्स आया है। तो इसके लिए क्या है कुछ वैल्यू को चेक करनी होती है। तो वैल्यू क्या क्या है मैं बताती चलती हूँ, सबसे पहले वैल्यू को समझेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है। सबसे पहले आता है हमारा फेयर वैल्यू यानी कि VF, देन आता है हमारा मार्केट वैल्यू, देन है हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू, देन आता है हमारा एक्चुअल वैल्यू या फिर रेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि एक्चुअल जो है। अब हम इनका थोड़ा शॉर्ट में ही समझाती चलूँगी, आपको सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फेयर वैल्यू यानी कि लगभग जिसकी हमने गैसेस करी हैं कुछ, मतलब कि प्रॉपर्टी जो है किसी प्रॉपर्टी जो है उसको हमने गेस किया है कि वो इतने एरिया में है, उसकी वैल्यूएशन इतनी होगी इस प्रॉपर्टी की, ठीक है, ये स्पेसिफिक साइज़ या स्पेसिफिक लोकेशन का कुछ इतना आइडिया नहीं है, कुछ आइडिया करते हुए इस एरिया पे है ये लगभग और इतनी इसकी वैल्यू होगी, इस तरीके से कुछ पता लगा है, ठीक है। मार्केट वैल्यू यानी कि जो लोकल वैल्यूएशन उसकी प्रॉपर्टी की, मीन्स इसमें वैल्यूएशन के बारे में पता करेंगे। ये हमने वैल्यूएशन लिखा है जिसमें कि गैसेस होगी एरिया की, उसका साइज, प्रॉपर्टी कैसी है, स्पेसिफिक कुछ नहीं है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। इस तरीके से क्या है जो एरिया है उसके बारे में मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया गया है। मार्केट वैल्यू वैल्यूएशन जो कि प्रॉपर्टी की लोकल मार्केट के हिसाब से हो, ओके, लोकल मार्केट के हिसाब से, या फिर कोई एजेंट करे, लोकल एजेंट, ठीक है, कोई पर्सन हो, इस तरीके से जो मतलब कि बता दे मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी क्या है वो बता सके। देन आता है हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, म्यूनसिपैलिटी जो करेगी, म्यूनसिपैलिटी जो वैल्यू रखती है वो वैल्यूएशन जो बेस होता है उस पे जो है रेंट डिटरमाइन किया जाए, कंट्रोल किया जाए स्टेट के हिसाब से कि भाई म्यूनसिपल पे कैसा क्या वैल्यू चल रहा है उस हिसाब से रखेंगे। एक्चुअल मीन्स ओनर जो है उसने कितनी वैल्यूएशन लिखी है, एक्चुअल यानी कि ओनर जो मालिक है असल में जो है उसने कितना रिसीव किया है उसके ऊपर बात करेंगे, कितना उसे रिसीव किया है जो टीनेंट यानी कि ओनर को रिसीव कितना हुआ है अपने रेंट पे से। तो ये तो हमें वैल्यूज पता चल गई कि भाई हमें कौन कौन से वैल्यूज़ देखने हैं, इन वैल्यूज पॉइंट को हमें देखने हैं। तब हम इसको देखेंगे कैसे, आइए मैं बताती हूँ इनको हम कैसे देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। सबसे पहले जो हमारा फेयर वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू है इन दोनों में देखेंगे, जो इन दोनों में से हाई होगा
उसको हम लोग लेंगे। जो हाई होगा उसके साथ हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू को, जो इसमें से हमारा लो आएगा हम उसको लेंगे। यहाँ पे तो क्या करा हमने, हाई को लिया। अब इन ये जो हाई वाला पॉइंट आया है और जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू, इसमें से जो लोअर पॉइंट होगा, जो लोअर वैल्यू होगी हम उसको लेंगे। अब जो लोअर वैल्यू आई है और जो एनुअल वैल्यू है, इन दोनों को देखते हुए जो हमारी हाई वैल्यू होगी इन दोनों में से हम उसको लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके में देखिए, ये समझिए, जो फेयर वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो हाई होगी सबसे पहले उसको लेंगे। उसको हमने रख दिया। अब देखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू और हाई जो वैल्यू हमारी आई है, उन दोनों में से जो लो होगा हम उसको रखेंगे। जो लो वाला वैल्यू आया है उसके साथ जो एनुअल वैल्यू है हम उसको कंपेयर करेंगे, जो हाई होगा हम उसको लेंगे। तो वही क्या हो जाएगा, मेन हमारा एनुअल वैल्यू माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सपोज़ कीजिए जो फेयर वैल्यू है वो क्या है हमारा, 100 है एग्ज़ाम्पल, और सपोज़ मार्केट वैल्यू 120 है, स्टैंडर्ड वैल्यू 110 और ये हमने सपोज़ रख दिया 130। तो इसमें से हाई कौन सा है हमारा, 120। 120 को हम रखेंगे। 120 और 110 में से कौन सा छोटा है, 110। 110 को हम रखेंगे। 110 और 130 में कौन सा बड़ा है, 130। तो 130 क्या है, हमारी एनुअल वैल्यू होगी। तो ये तो हमें समझ में आया एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हमें क्या याद रखना है, हमें सबसे पहले हाई पॉइंट देना है, देन लो, देन फिर से हाई। ये सीक्वेंस हमें रखना है जिससे कि हमें अपनी एनुअल वैल्यू का पता लग जाएगा। फिर हम आगे के प्रोसीजर को करते आएंगे। अब हमें जानना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ किसी ने अपना घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया है, ठीक है, तो उसके लिए सपोज़ कीजिए कि लोन लिया गया है। ये हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड में क्या है, अगर सपोज़ कि वो इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे हमें छूट मिल जाएगी अगर हमने कहीं पर घर बना रहे हैं, उसके ऊपर हमने लोन लिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को अपना फॉर्मूला याद रखना है। देखिए मैं बताती हूँ, हमें क्या याद रखना है, 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्लस एक्चुअल ऑफ प्रीवियस ईयर। ये हमें याद रखना है बोरोड फंड को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला। यानी कि 5 साल के इंस्टॉलमेंट पे हमें, 5 साल के इंस्टॉलमेंट के जो रेंट है उस पे हमें क्या है, छूट मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इससे हम लोग कह सकते हैं यानी कि जिस दिन से हमने डेट ऑफ बोरोड, यानी कि डेट ऑफ बोरोड DOB, यहाँ पे हमें सुनने को मिलेगा, मैं कंफर्म क्लियर कर देती हूँ, DOB एंड DOC। DOB यानी कि डेट ऑफ बोरोइंग एंड डेट ऑफ कंप्लीशन। तो देखिए डेट ऑफ बोरोइंग, डेट ऑफ कंप्लीशन, ये मैंने बता दिया। अब हम समझेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यानी कि जिस दिन से काम स्टार्ट हुआ है उस दिन से जब तक का ख़त्म हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, डेट ऑफ कंप्लीशन। तो देखिए मैं आपको ये एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए कि हमने लोन लिया है किसी बैंक से 1/4/2010 पे, तो ये जो तारीख है ये तो क्या है हमारा, डेट ऑफ बोरोइंग। ओके, DOB, ये क्या है हमारा, डेट ऑफ बोरोइंग से लेके हमारा सपोज कीजिए DOC है हमारा 31/1/2017,
कंप्लीट हुआ है हमारा 17, 7 साल लग गए, ठीक है। और जो 16 यानी कि जो प्रीवियस ईयर है हमारा 16, जिसमें कि हमारा हाफ कंप्लीट हुआ, क्योंकि कंप्लीट तो यहाँ पे हुआ है 1 साल पहले, क्या वो हमारा हाफ कंप्लीट था, सपोज़ कीजिए इतना ही, 31/3/16, ये क्या हमारा हाफ कंप्लीशन हुआ था एक्चुअल ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का हमारा ये था, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, जो ये वाला हमारा टाइम पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला क्या है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इसके ऊपर क्या है, हम सर्टिफिकेट ऑफ रेसिडेंटलशिप बना कर इसके ऊपर क्या है, हम लोगों को मीन्स इंटरेस्ट पे हमें छूट मिल जाती है गवर्नमेंट के पास। इस पे हमें लोन के ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए क्या है, हमें टैक्स पे नहीं करना होता, ये हमारी इनकम पे ऐड नहीं होगा। मेन इसका ये है, इस पे क्या है रेसिडेंटल स्टेटस सर्टिफिकेट कि भाई ये हमारा तैयार हुआ नहीं है अभी तक, अभी ये रेसिडेंटल सर्टिफिकेट कि भाई हम यहाँ के अभी रहते नहीं हैं, कि हम यहाँ पे रहने वाले हैं, ऐसा करके कि हमारा ऐसा ऐसा पोजीशन है, मीन्स इनको क्लियर करवाना है, उससे क्या होगा हम लोगों को छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया पूरा कि भाई जो हमारा इनकम हमें मिलता है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, हमें कैसे इनकम मिलती है हमने उसको डिस्कस किया, फॉर्मूला मैंने आपको बताया। आई होप आपको यह बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहेगी इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड, और न्यू अपडेट्स के बारे में भी आपको मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।